ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं ललितपुर से शैलेंद्र जैन। मैं बता दूं कि यहां सिंचाई विभाग द्वारा रोहिणी बांध पर जल उपभोक्ता समिति का चुनाव कराकर जो कार्य योजना तैयार की गई और जिससे किसानों को पानी देने की सुगमता हुई, उससे यहाँ के जो अधिशासी अभियंता हैं सीपी सिंह साहब, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यह किस प्रकार की योजना थी और इससे किसानों को कितना कुछ लाभ हुआ है, हम जानना चाहते हैं। सर बताएं क्या कुछ हुआ है, इसमें क्या लाभ? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी का एक सपना था, वन ड्रॉप फॉर मोर ड्रॉप, एक बूंद में ज़्यादा से ज़्यादा हमको सिंचाई करना है, तो उसी के तहत ये रोहिणी मॉडल डेवलप हुआ है। ये प्रदेश में हमारा पहला मॉडल डेवलप हुआ है और हमारे मंत्री जी का भी यही सपना है कि इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश में अन्य संगठन में भी हों, जैसे हमारे बिसवा संगठन में भी ये हुआ है, अन्य संगठन में भी इस प्रकार का हो। तो यहाँ पर क्या है कि जो रोहिणी बांध से हमारा ये सिस्टम निकला है, इसमें से चार माइनर निकली हुई हैं, तो चारों माइनर को हमने पक्का करा दिया है। ये विश्व बैंक से पोषित थी योजना और ये अब समाप्त हो गई है और हमने इसको हैंडओवर कर दिया है और पूरी नहरें पक्की हो गई हैं। तो जल उपभोक्ता समिति के हमारे ये अध्यक्ष भी खड़े हैं आपका। हाँ। सर सन्नूलाल, सबसे बड़ी फायदा ये हुआ है किसानों को कि टेल तक पानी पहुंचा है और दूसरी बात पानी जो है, सेविंग भी हुई है, पानी की बचत भी हुई, जबकि पिछली बार तीन पानी मिलते थे किसानों के लिए। अब इस बार हमारे जो जय साहब हैं और सबने सहयोग करके, अधिकारियों ने सहयोग करके इस बार इतना कुछ पानी दिया कि अब की बार चार चार पानी पहुंच गया किसानों के लिए, बहुत टेल तक पानी पहुंच गया। और बड़े साहब का बहुत योगदान रहा इसमें ताकि हम लोगों को ये समय समय पर पानी मिलता रहा है। ये परियोजना जो है उत्तर प्रदेश वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना फेज टू के अंतर्गत थी। इस परियोजना में रोहिणी बांध का जो सिस्टम है इसको कंप्लीट करा दिया गया है। कंप्लीट के उपरांत ही जल उपभोक्ता समितियों को इसका हस्तांतरण हो चुका है। हस्तांतरण उपरांत इन जो समितियां गठित की गई थी उन समितियों ने अपना पानी का विस्तार करते और पानी का अपने हिसाब से बांटा है कि हर किसान को जितना भी पानी पर्याप्त हो सके उतना पानी उनको मिला है और उन्होंने अपने हिसाब से ही पानी का वितरण किया, जिससे कि उनको एक की जगह चार चार पानी भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है, मिलता रहेगा आगे। किसानों को पर्याप्त पानी तो मिला ही है, साथ ही एक तीन की जगह चार बार पानी खेतों में दिया जा रहा है, जिससे यहाँ की फसलें भी लहला रही हैं। पहले जो सूखा ग्रस्त क्षेत्र माने जाते थे, इस योजना के बाद यहाँ हरियाली बढ़ गई है और यहाँ की जो फसलें हैं वो भी अधिक लहलहाती दिखाई दे रही हैं। इस कार्य योजना से ललितपुर के रोहिणी बांध को प्रदेश में मॉडल के रूप में देखा जा रहा है और इस मॉडल से कई और बांधों पर इस प्रकार की योजना तैयार करके किसानों को लाभ पहुंचाने की सरकार की मंशा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। ललितपुर से ललितपुर लाइव टीवी के लिए शैलेंद्र जैन। यहाँ पर भैया इनने इतनी मेहनत की है, आपने जय साहब ने सारी रातों रात मेहनत की है, यूपी में प्रथम है ये गोहनी मॉडल है, गोहनी मॉडल के नाम, गोहनी मॉडल, ये किसके थ्रू है? गोहनी डैम से निकला है।